सामिन इकराम, आप हजरात के सामने एक गजल में पेश कर रहा हूँ जो कि हमारे खास दोस्त ज़ियाउर रहमान रशीद सलसी हफ़िज़हुल्लाह की तख़लीक़ करता है। समाअत फरमाएं। अशक मैंने जो छिपाया था रवां होने को है, जिंदगी का सारा किस्सा अब बयां होने को है। उसने मुझको फिर किया बेदार ये कहते हुए, रात का पिछला पहर है अब अज़ां होने को है। बेहयाई है मसलत ज़हन दिल पर इस कदर, बेहयाई है मसलत ज़हन दिल पर इस कदर, ऐसा लगता है फना सारा जहां होने को है, ऐसा लगता है फना सारा जहां होने को है। एक फकीर शहर को कहते हुए मैंने सुना, एक फकीर शहर को कहते हुए मैंने सुना, कैसे आए नींद जब बेटी जवां होने को है, कैसे आए नींद जब बेटी जवां होने को है। कहर बरपाती हुई एक बेवफा की शोखियां, कहर बरपाती एक बेवफा की शोखियां, दिल जला कर वो मेरा खुद शादमा होने को है, दिल जला कर वो मेरा खुद शादमा होने को है। सरफरोश ने किया से राग जिसको खून से, सरफरोश ने किया से राग जिसको खून से, अब हमारा ये चमन नजर खिजा होने को है, अब हमारा ये चमन नजर खिजा होने को है। गुलसिता को नजर आतिश करना जिनका शौक हो, गुलसिता को नजर आतिश करना जिनका शौक हो, बागबानी का अमल उनसे कहाँ होने को है, बागबानी का अमल से कहाँ होने को है। और लोगों की तरह ज़ेरे ज़मीन होने के बाद, और लोगों की तरह ज़ेरे ज़मीन होने के बाद, ऐ ज़िया तू भी फ़कत एक दास्तां होने को है, तू भी फकत एक दास्तां होने को है। अश्क मैंने जो छिपाया था रवां होने को है, जिंदगी का सारा किस्सा अब बयां होने को है। एक फकीर शहर को कहते हुए मैंने सुना, कैसे आए नींद